वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दिवस शेयर्स में। ना आज जो प्रोडक्ट्स और उनके बारे में जो रिव्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक नई कंपनी है और इसका नाम हजामत है और ये शेविंग सोप, रेजर्स, मल्टी कार्ट्रिज रेजर्स, आफ्टर शेव बाम और भी नई नई शेविंग एसेसरीज बना रही है। तो हुआ क्या था कि लॉकडाउन से पहले मैंने इनके एक दो प्रोडक्ट्स वेबसाइट्स में देखे, तो मैंने एक उनका प्रोडक्ट जो है एक शेविंग सोप ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो कुछ नया चीज, कोई नई कंपनी अगर है तो उसको ट्राई देना चाहिए, तो मैंने एक नया सोप ऑर्डर किया। मतलब वो लॉकडाउन में फंस गया। तो अब जैसे जैसे हल्का हल्का जो है वो गवर्नमेंट ईज डाउन कर रही है थोड़ा बहुत, तो ऑलमोस्ट हफ्ते भर पहले ये सोप मेरे पास आया। तो मैंने एज यूजुअल अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले उसको टेस्ट किया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट आई गॉट। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैंने दिन में फिर देखा इनको कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, तो इनके जो मार्केटिंग हेड है उनका नंबर मेरे को मिला और मैंने उनको कॉल लगाया। नितिन टंडन इनका नाम है और मैंने उनको अपने विचार बताया इस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने कहा आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो उन्होंने पूछा मेरे से आप क्या करते हो, तो मैंने बताया मैं लेक्चर लेता हूँ और अभी अभी हाल ही में मैंने अपना एक खुद का शेविंग चैनल शुरू किया यूट्यूब में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दो और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एज अ टोकन एज अ गिफ्ट आपको भेजता हूँ, अगर आप इतने खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर रिव्यू करिएगा। तो मैंने उनको बात करते हुए कह दिया था कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने इसके रिव्यूज देखे ही नहीं है यूट्यूब में और कहीं भी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट है कि तो क्यों ना इसको बताया जाए लोगों को यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं इसका 100% नेक्स्ट वीक रिव्यू देने वाला हूं। तो उन्होंने कहा प्लीज ठहर जाइए, मैं आपको दो और इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भेज रहा हूं। तो जो दो प्रोडक्ट्स उन्होंने भेजे वो एक शेविंग ब्रश और एक आफ्टर शेव बाम। तो आज इन तीनों को मिला के और इस प्रोडक्ट्स के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द प्रोडक्ट्स। सो यू कैन सी हजामत शेविंग सोप और ये कुछ इस तरह की पैकिंग आती है, ऊपर से गोल्डन कलर का है, इसके ऊपर एक लिड है। इसको मैंने दो तीन बार इस्तेमाल कर चुका हूं और जो सोप है वो इस तरह का है, आप देख सकते हैं उसका कलर। कंपनी के मुताबिक इसमें शिया बटर और कोकोनट ऑयल यूज किया है और ये अगेन SLS और SLES फ्री है और इसमें कोई भी पैराबेंस भी नहीं है, काफी नेचुरल प्रोडक्ट है। मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत माइल्ड है, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग नहीं है और इसकी स्मेल ने मेरे को कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक कर दिया। आपको याद होगा कभी आप अपने फादर के साथ बचपन में किसी बार्बर शॉप जाते होगे हेयर कटिंग के लिए, मैं तो बहुत जाता था। तो मुझे याद है अभी भी कि जब हमारा नंबर आने की वेट कर रहे होते थे तो मैं देखता था वो किस तरह से उस्तरा चलाते थे और उसी समय जो है जब वो लादर करते थे, दाढ़ी करते थे, तो एक परफ्यूम, एक स्मेल सी आती थी टिपिकल जो अक्सर बाबर शॉप में आती है। तो इस शेविंग सोप में बिल्कुल जो है उसी तरह की स्मेल मैंने पाई है, हल्की सी सोपी है बट जो भी है बड़ी लाजवाब है, मज़ा आता है। मतलब कुछ मेरी तो बचपन की यादें ताजी हो गई, करेक्ट। तो ये शेविंग सोप, इसी के साथ एक वुडन शेविंग ब्रश, इसका जो हैंडल आप देख सकते हैं वुड का है और इसमें इंग्रेव किया है कंपनी ने अपना लोगो सिंबल और यहां पे हजामत लिखा है। सिंथेटिक ब्रिसल्स हैं, नॉट काफी अच्छा लग रहा है इसका और ऊपर का जो ये जो है लॉफ्ट ये भी काफी रिट्रैक्टेबल है। अब इसका इस्तेमाल मैं आज फर्स्ट टाइम करने वाला हूं और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब लेट्स सी इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। और ये इन्होंने एक आफ्टर शेव बाम मेरे को दिया है और इसकी स्मेल भी एग्जैक्टली शेविंग सोप की तरह है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है
काफी हद तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके ऊपर भी एक लेड लगा है और इस तरह से ये, तो इसको भी आज मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाला हूँ। ऐसे हालांकि अभी गर्मी है तो मैं बॉम्ब्स अवॉइड करता हूँ, बट आज मैं इसके रिव्यूज जरूर देना चाहूँगा। और आज जो मेरा रेजर है, अगेन पाकर 91R, और इसमें जो ब्लेड यूज कर रहा हूँ विल्किंसन स्वॉर्ड, जिसको आज मैं दूसरी बार यूज कर रहा हूँ, पाकर 91R। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द शेव। फेस वॉश के लिए मैं एवर यूथ का फेस वॉश यूज कर रहा हूँ, जिसमें ये लोग बताते हैं कि नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं। अलोंग विथ टी ट्री ऑयल, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लादर एज यूजुअल। एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर दिया मैंने। बीस पच्चीस सेकेंड आपको सिर्फ स्वर्ल करना है ऐसे, और आप देख सकते हैं सोप आसानी से लादर में कन्वर्ट हो रहा है। आई थिंक इट्स इनफ। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं लादरिंग बाउल नहीं यूज करूंगा, इसको डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। हल्का सा पानी, तो ऐसा मेरे को लग रहा है इस ब्रश के ब्रिसल्स थोड़े सॉफ्ट हैं। और ये एक सिंथेटिक ब्रश है और ग्रिप जो है हैंडल की बहुत ही अच्छी बेहतरीन, और मेरे को अच्छा लगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। Lovely fragrance, very mild, typical barbershop fragrance.
So I think I am done with the lather. Sideburns. Parker 91R along with Wilkinson's sword plate. First pass. मैं केवल दो पास ही करने वाला हूं। आज मेरी पेयर जो है एक दिन पुरानी है, सो आई डोंट रिक्वायर थर्ड पास। लेट्स सी। फर्स्ट क्लास में वो सोप इज क्वाइट स्लिक, आई कैन फील इट हियर ऑल्सो राइट नाउ। गुड। देखिए शेविंग में एक नई तरह की अवेयरनेस अब क्रिएट हो रही है अपने देश में और नई नई कंपनियां अच्छा इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें एंड दे आर रियली ब्रिंगिंग सम वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दे कैन बी इजीली कंपेयर्ड टू एनी इंटरनेशनल ब्रांड। इनफैक्ट कई बार तो मैंने यूज करके देखा है कि कई सारे विदेशी ब्रांडों से बहुत ही कम कीमत में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग देते हैं और इसीलिए जब भी मार्केट में कोई अपनी स्वदेशी कोई प्रोडक्ट लेके आता है तो मैं जरूर एज अर्ली एज पॉसिबल उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसे हाउ दे वर्क हाउ दे परफॉर्म। ओके सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
दैट्स इट। तो आप तीसरे पास की कोई जरूरत नहीं लग रही मेरे को। Really fantastic performance by the soap alum block. वाह, बेहतरीन शेप। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द शेप, पोर शेप। नाउ जिस तरह से अभी गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, तो मैंने पहले भी बताया था मैं आफ्टर शेप बाम्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करता हूं, थोड़े से ऑयली हो जाते हैं कई सारे तो। बट लेट्स सी, ये आज मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूं, शायद गर्मी की वजह से सेमी सॉलिड स्टेट में है ये। ये किसी ट्यूब में नहीं आता, ये भी एक टब में दिया है इन्होंने, दैट्स क्वाइट डिफरेंट वे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा ये बॉटल्स में या फिर जो है आपके ट्यूब्स में आते हैं, मगर इन्होंने इसको टब के फॉर्म में दिया है। Wonderful, lovely fragrance, very subtle, very mild, not at all overpowering. मेरे को वैसे भी हल्की fragrance perfumes अच्छी लगती हैं और बहुत ही different है इसकी smell. और एक ठंडा ठंडा हल्का हल्का अब एक एहसास हो रहा है मेरे को, शायद menthol है इसमें, मैंने पढ़ा नहीं अभी इसके ingredients में, but yes, जो भी है एक perfect शेव की फीलिंग मेरे को आ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली। तो मुझे लगता है गर्मियों में मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम्स। सो देयर इज समथिंग अबाउट द कंपनी नेम्ड हजामत और उनके कुछ प्रोडक्ट्स। नाउ रेजर के बारे में, अभी मैंने इनका एक रेजर देखा है, मगर वो एसेट मेरे को अभी तक ऑर्डर करने के लिए मिला नहीं। बट ज्यादातर ये लोग हजामत वाले जो लोग हैं, ये लोग अभी मल्टी कार्ट्रिज प्लास्टिक वाले जो कार्ट्रिज होते हैं, मल्टी ब्लेड रेजर्स, उसमें इनका फोकस ज्यादा है। मेरी इनसे बात भी हुई थी, मैंने कहा कि डी शेविंग के लिए जो है आपका जो डी रेजर है वो एक है तो कभी उसके बारे में बताइएगा, वो अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने कुछ वेबसाइट्स में भी देखा है। बट ओवरऑल जो इनका सोप है, जो इनका ब्रश है और आफ्टर शेव बाम है, वो मेरे को बहुत पसंद आए। तो फिर से मैं आपको बता दूं, द प्रोडक्ट्स विच आई यूज टुडे, हजामत शेविंग सोप, आफ्टर शेव बाम, एंड ऑफ कोर्स द ब्रश। ब्रश इज रियली अ मास्टरपीस, इसको देखते ही आपको प्यार हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से इसको तराशा है हमने, ओके। एंड सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स जो हैं वो सिंथेटिक है नो डाउट, बट दे आर ऑन अ लिटिल बिट सॉफ्ट साइड, तो थोड़ा ज्यादा ग्रेट करने में मेरे को टाइम लगा इसमें, नॉर्मल जो मेरे पास दूसरे जो ब्रशेज है, बट आई एम सेटिस्फाइड एज अ कस्टमर। सो और ये ब्रश कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है, मैंने आज ही इसको अनबॉक्स किया है, एक अच्छी प्रीमियम पैकिंग है,
अगर आप ट्रेवल में जा रहे हो तो इसके अंदर इस ब्रश को लेके जा सकते हैं ताकि आपकी जर्नी में जो ब्रिसल्स जो है मुड़े नहीं, खराब ना हो। तो इस तरह की ये पैकिंग है, सिल्वर कलर पैकिंग, काफ़ी प्रीमियम फील आती है। तो दिस द पैकिंग। So this is all, that's all for today's shape. I hope you have enjoyed a lot. So आज संडे है, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में हूँ मैं भी। आज थोड़ी मेरी शेविंग थोड़ी सी देर से की है मैंने। नॉर्मली मैं अर्ली मॉर्निंग शेव करना पसंद करता हूँ, मगर आज जो है अभी 9:30 के करीब बज गए हैं। बट येस, आई हैव थॉरली इंजॉयड हजामत प्रोडक्ट एंड थैंक्स अ लॉट द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी मिस्टर नितिन टंडन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेन दिया। अभी दिल्ली काफ़ी हद तक लॉकडाउन में है, 4-5 दिन पहले इनका कॉल आया कि मैं आपको हर हाल में, आप अपना एड्रेस दे दिया और मैं आपको आप एटलीस्ट 2 और प्रोडक्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। तो कल ही मैंने इनके इवनिंग में ये प्रोडक्ट रिसीव किए, आफ्टर शेव बाम और शेविंग ब्रश, और आज मेरा पहला यूज़ था उसका। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड, मज़ा आया मेरे को शेव करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योरसेल्फ, लिव विद पैशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। That's all.